एक गिराफ एजेंसी यानी अबू ज़र भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अबू ज़र भाई मैं तो मुतवज्जो रहें, अभी शौकत रज़ा शौकत ने पाकिस्तान से इस माहौल में चार मिसरे कहे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है गिराफ एजेंसी वालों की, ख़ास तौर से अबू ज़र भाई की, कि ये शौकत रज़ा शौकत तक ये चार मिसरे पहुँचना चाहिए। उन्होंने चार मिसरे अपने मुल्क के लिए कहे थे तो हिंदुस्तान कभी शायरी में पीछे नहीं रहा, मगर ये पाकिस्तान के आवाम तक के ये शेर जाना चाहिए, और जिस तरीके शौकत रज़ा को दाद मिली थी उसी तरीके दाद मिलना चाहिए। शौकत रज़ा ने चार मिसरे कहे थे कि हुसैन सरदार के मवाली जहान को तंग, हुसैन सरदार के मोहाली मवाली जहान को दंग भी करेंगे, ये पाक धरती है इसके दुश्मन की जिंदगी तंग भी करेंगे, और जनाबे इमरान को खबर दो ये मेरी मिल्लत का फैसला है, पड़ेगी सरहद पर जब जरूरत तो मातमी जंग भी करेंगे, पड़ेगी सरहद पर जब जरूरत। अब एक्टिव हो जाइए, अपना कैमरा रेडी रखिए, अब ये चार मिसरे, पड़ेगी सरहद पर जब जरूरत तो मातमी जंग भी करेंगे, के पड़ेगी सरहद पर जब जरूरत तो जनाबे इमरान को खबर दो ये मेरी मिल्लत का फैसला, मगर उतने ही दाद मिलना चाहिए जितनी शौकत रजा को इन चारों मिसरों पर मिली, कि जनाबे इमरान को खबर दो, जनाबे इमरान को खबर दो ये मेरी मिल्लत का फैसला है, पड़ेगी सरहद पर जब जरूरत तो मातमी जंग भी करेंगे, तो मातमी जंग भी करेंगे, कुछ गुलामे हैदर करार भी मौजूद हैं, कुछ गुलामे हैदर करार भी मौजूद हैं, मुल्क पा मिट जाने को जर्रार भी मौजूद हैं, मुल्क पा मिट जाने को जर्रार भी मौजूद हैं, ऐ पड़ोसी मुल्क के जाकिर तो इतना सोच ले करबला के मातमी इस बार भी मौजूद। ये पहुंचाइए वहां तक के, अरे पड़ोसी मुल्क के जाकिर तू इतना सोच ले, अरे पड़ोसी मुल्क के जाकिर तू इतना सोच ले करबला के मातमी। कुछ गुलामे हैदर करार भी मौजूद हैं, कुछ गुलामे हैदर करार भी मौजूद हैं, कि मुल्क पा मिट जाने को जर्रार भी मौजूद हैं, अरे पड़ोसी मुल्क के जाकिर तू इतना सोच ले करबला के मातमी, करबला के मातमी इस पार भी मौजूद हैं, करबला के मातमी इस पार भी मौजूद हैं, कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोताली का कैसे भला हार जाएगा। कुछ अलग से शेर पढ़ना पड़ेगा लगता क्या, गाजीपुर मेरा बोला नहीं, इतना अच्छा शेर पढ़ दिया नसीर भाई, अच्छा दूसरा शेर पढ़ के देते हैं, हर तीर धीरे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, कोताली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोताली का कैसे भला हार जाएगा, बहलूल तू बहिष्ट बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदा जाए, बहलूल तू बहिष्ट बना और मैं ताजिया, बहलूल तू बहिष्ट बना और मैं ताजिया, बहलूल तू बहिष्ट। भैया ये बैलून जो फोड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये महफिल है ना। हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और मुझे यकीन है कि इस शेर पे शायद कोई खामोश ना रहे। हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोताली का कैसे भला हार जाएगा, बहलोल तू बहिष्ट बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नैसे पकर बला का जमींदार जाए। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नैसे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नैसे पकर बला का जमींदार जाएगा, पैदल चलेगी सब मिलके बोले ना भाई,
हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, बेशक हुसैनिया जिंदाबाद। वो शख्स मर नहीं सकता कसम शहादत की जो कह रहा है शहे मशरकैन जिंदाबाद। है कुछ यजीद के हामी भी जमाने में, हर एक कह नहीं सकता हुसैन, हर एक कह नहीं सकता, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। आइए हजरात इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश है जनाब, जना जफराबादी साहब एक ऐसी शख्सियत जो बहरहाल हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।